आप सभी को मेरा नमस्कार। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नाम से कैंपेन जो है वो 24 अप्रैल से लेके 1 मई तक पूरे भारतवर्ष में चलाया जाएगा। और जिला ऊना में भी हमने सभी डिपार्टमेंट और बैंक से मीटिंग करके इस कैंपेन की जो स्वरूप है उसको निर्धारित किया है। इस कैंपेन के मुख्य उद्देश्य हैं कि हमारे जितने भी पीएम किसान बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको पीएम किसान स्कीम के अंदर जो है भारत सरकार से एड मिलती है, उन सभी के केसीसी कार्ड जो हैं हमने उस कैंपेन के दौरान बनाने हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भारत सरकार की एक स्कीम है, जिसमें एक ऋण को सरल रूप से लेने के लिए कार्ड जो है वो बैंकों के माध्यम से इशू किया जाता है किसानों को। हमारे जिला में 92,000 जो हैं वो पीएम किसान बेनिफिशरीज़ हैं और 59,000 जो हैं वो केसीसी कार्ड होल्डर हैं। तो ये जो गैप है इसका 33,000 का, ये हमने स्पेशल कैंपेन के दौरान लोगों को मोटिवेट करके मोबिलाइज करके इसको पूरा करना है। 24 अप्रैल को होने वाली ग्राम सभा में जितने भी हमारे पीएम किसान के बेनिफिशरी फार्मर्स हैं, जिनको केसीसी कार्ड इशू नहीं हुआ है, उनके लिए एक सरल प्रक्रिया केसीसी कार्ड की रखी गई है। उस दिन इन सभी की लिस्ट जो है वो पंचायतों के साथ शेयर की जाएगी और इन फार्मर्स को जो है ग्राम सभा में बुलाया जाएगा। एक सिंपल 1 पेज का फॉर्म जो है भारत सरकार ने डिवाइस किया है, उस 1 पेज के फॉर्म को उस दिन ग्राम सभा के दौरान भराया जाएगा। साथ ही 1 तारीख तक जो समय है उसके दौरान भी इसको भर सकते हैं। और इस 1 पेज के फॉर्म पे ही 1.6 लाख तक की क्रेडिट लिमिट वाला जो केसीसी कार्ड है वो तुरंत जारी करने के निर्देश जो हैं वो बैंकों को दिए गए हैं। इससे ऊपर जिन किसानों की जो क्रेडिट लिमिट है उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करने के बाद इस कैंपेन के दौरान ही उनको केसीसी कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे। कैंपेन का दूसरा लक्ष्य है कि जितने भी हमारे पीएम किसान बेनिफिशरीज़ हैं वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर और जो अटल पेंशन योजना है हमारी उनके अंडर जो भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स बैंक्स के थ्रू रन हो रही हैं उसके अंडर भी उनको कवर किया जाए। तो उसकी जो फॉर्म्स भराने का काम है वो भी जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के फॉर्म की कवरेज भी जो है इसी फॉर्म के माध्यम से किसानों को दी जाएगी। इस पूरे जो हमारा कैंपेन है उसके दौरान स्पेशल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स भी जो है वो बैंक्स आयोजित करेंगे इन 10 दिन में। और उन जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स हैं उनमें भी जो हमारे केसीसी कार्ड्स हैं उनका इशुएंस और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो फॉर्म्स हैं उनको भराया जाएगा। हमने सभी बैंकों को और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि उस दिन की ग्राम सभा में जो नेशनल पंचायती राज डे के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है फार्मर्स को बुलाया जाए और पंचायतवार जो है उनकी कवरेज इंश्योर की जाए कि वो केसीसी की स्कीम में कवर हो। मैं सभी की जानकारी के लिए ये भी बताऊंगा कि केसीसी कार्ड के साथ भारत सरकार ने ये सुविधा दी है कि 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा जो है वो उसके साथ मुफ्त आता है। जो भी केसीसी कार्ड होल्डर होते हैं वो स्वतः जो है वो 2 लाख के एक्सीडेंट बीमा के भी जो है लाभार्थी बन जाते हैं। तो हम सभी फार्मर्स से, सभी किसानों से, बागवानों से अपील करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के कि 24 तारीख की ग्राम सभा में यदि आपका केसीसी नहीं बना हुआ है तो उस दिन फॉर्म भर के उसका लाभ प्राप्त करें और 1 तारीख तक जो है वो जो विशेष फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स होंगे या जो भी बैंक ब्रांचेज हैं उनमें जाके भी जो है इस योजना का जो है वो लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।